सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उत्तम कुमार लेंका। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट हूं। आज हम पिट्रियासिस अल्बा के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पिट्रियासिस अल्बा क्या होता है? आप लोग ने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा जिसके गाल में व्हाइट कलर का सादा सादा स्पॉट रहता है, तो वो होता है नॉर्मली पिट्रियासिस अल्बा। तो ये होता क्यों है, इसका एग्जैक्ट कॉज यानी कारण पता नहीं है क्यों होता है, लेकिन बच्चों में पाया जाता है। वो यहाँ पे गाल में, दोनों गाल में छोटा छोटा व्हाइट कलर का स्पॉट रहता है, जहाँ पे फाइन स्केल यानी और छोटा छोटा स्केल पपड़ी जैसा निकलते रहता है। और ये ज़्यादा खुजली वुजली नहीं होता, लेकिन कभी कभी ये खुजली होता है। और गाल को छोड़ के हाथ में और पैर में भी ये पाया गया है। और जिन लोगों का एटोपिक डर्मेटाइटिस नाम के जो एक्जिमा है, जो बीमारी जिन बच्चों को है, तो उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि उनमें ज़्यादा ड्राई स्किन होता है। और जिन लोगों के फैमिली में यानी माँ बाप को जिसको अस्थमा है या एलर्जी राइनाइटिस है, ये सब अगर कोई हिस्ट्री है, तो उनके बच्चों को ये ज़्यादा पाया जाता है। तो ये जब होता है तो प्रॉब्लम कुछ होता नहीं है, लेकिन पेरेंट्स थोड़ा परेशान हो जाते हैं, जिसके वजह से वो आके डॉक्टर के पास आते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है आपके बच्चे को, आप अपने नज़दीकी जो भी अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट है उनके पास जाके दिखाइए, वो इसको देखेंगे और डायग्नोसिस करेंगे ये पिट्रियासिस अल्बा है कि और दूसरा कुछ बीमारी है। क्योंकि ऐसे और सारा कुछ बीमारी है स्किन का जो चेहरा में होता है, जो देखने में एक जैसा लगता है, जैसे कि आपका अर्ली विटिलिगो यानी सफ़ेदी वाला जो बीमारी होता है, विटिलिगो जो बीमारी होता है, जब शुरू होता है पहले पहले इसे वाइट कलर का, थोड़ा ऑफ वाइट का दिख सकता है। और लेकिन ये विटिलिगो क्या होता है, एकदम डिमार्केटेड रहता है, यानी पूरा उसका मार्जिन बाउंड्री पता चलता है। लेकिन ये पिट्रियासिस अल्बा का जो मार्जिन है, ये इल डिफाइंड होता है, यानी स्किन के साथ मर्ज कर जाता है, लास्ट को पता नहीं चलता है। और एक होता है आपका पिट्रियासिस वर्सिकलर, ये एक फंगल इन्फेक्शन है, जिसका वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया है, वो आप यूट्यूब में देख सकते हैं मेरे चैनल में। तो ये एक फंगल इन्फेक्शन है, ये चेहरा के साथ साथ आपका बदन में यानी बॉडी में, ट्रंक में होता है। ये आपका दवाई के साथ ठीक हो जाता है, ये समर में ज़्यादा होता है। और एक होता है आपका पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपोपिगमेंटेशन, कोई भी स्किन में रैश हो, वो जब ठीक होता है तब ऐसा व्हाइट कलर का पैचेस हो सकता है। तो ऐसा बहुत सारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस आता है, जो देखने में एक ही जैसा लगता है, लेकिन सारे का मैनेजमेंट ट्रीटमेंट अलग होता है। तो अगर इसका आपको सही इलाज कराना है, तो आप पहले अपने स्किन के डॉक्टर पास जाइए, वो आपका इलाज में कुछ मॉइस्चराइजर देंगे और कुछ टाइप को टैक्रोलिमस पिमिक्रोलिमस बोल के कुछ दवाई आता है, लो पोटेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी आता है, तो वो अपने हिसाब से जो आपको उनको जो ठीक लगेगा वैसे ही आपको देंगे। तो इससे परेशान होने कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात माइंड में रखिए कि ये एक बार में ठीक नहीं होता है, कभी कभी ये दोबारा भी होता है और बार बार भी होता है। ये समर में यानी धूप में ज़्यादा होता है, तो आपके बच्चे को थोड़ा धूप में जाने के लिए अवॉइड करिए। अगर जाता है तो सनस्क्रीन लगा के, फिजिकल सनस्क्रीन जा सकते हैं। तो अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम है, तो आपके आसपास नज़दीकी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो ये वीडियो दूसरे के साथ शेयर करिए जिसको ये प्रॉब्लम है। और इसके साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, नमस्ते।